व्योमाश्रयामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यहाँ 8 दिन के एक सत्र का आयोजन किया गया है। इसमें हम लोग उद्धव जी के ब्रज यात्रा के विषय में सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 46वें अध्याय में दिया गया है। हम लोग बार बार श्लोकों की आवृत्ति कर सकते हैं। यह शुद्ध रूप से श्रीमद् भागवतम के अध्ययन का सत्र है। इसके पीछे कोई निमित्त नहीं है। इसके जो आयोजक हैं विचित्र गिरधारी प्रभु और मंजरी माता जी, ये लोग जानकार व्यक्ति हैं। खास करके मंजरी माता जी, ये संस्कृत की टीचर है, हिंदी पढ़ाती है, क्या क्या पढ़ाने वाली है। मुख्य श्रोता यही है। इसके स्टैंडर को ध्यान में रख करके ही कथा बोली जाएगी। कोई हम लोगों का निर्धारित संख्या श्लोकों की संख्या नहीं है। अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे जितने श्लोक तक हो, और उनको तो बहुत जानकारी भी नहीं है, पढ़ने का समय भी नहीं मिला, तो किसी किसी अंश को हम लोग विस्तार करेंगे और किसी किसी को संक्षेप में। बहुत सारे भागवत के विद्यार्थी हैं, उनको ध्यान में रह करके कुछ कुछ शब्दों की व्याख्या की जाएगी। इसके साथ ही आयोजक के साथ कई एक भक्त आए हैं जो बहुत दार्शनिक पृष्ठभूमि नहीं रखते हैं, इसलिए भागवत की कथा भी आती रहेगी, भगवान के लीला का भी वर्णन किया जाएगा। हम लोग 46वां अध्याय प्रारंभ करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग मंगलाचरण के रूप में सनातन गोस्वामी के साथ एक श्लोक की आवृत्ति करेंगे। सनातन गोस्वामी इस विषय पर लिख रहे हैं, भगवान को, उद्धव को, गोपियों को, ब्रजवासियों को नमस्कार कर रहे हैं और अपने स्थिति को भी बतला रहे हैं। तो इसी श्लोक की पहले हम लोग आवृत्ति करेंगे। इसके बाद श्रीमद् भागवतम के श्लोक की आवृत्ति करेंगे। बोर्ड पर है, और केवल बोर्ड पर ही, आपके हाथ में नहीं है। ध्यान से सुनिए, और देख सकें तो देख करके बोलिए, नहीं तो सुन करके ही बोल दीजिए। आर्त एक शरणम, आर्तैक शरणम कृष्णम, आर्तान ब्रज जनान च तान तन तम च आर्त आश्वासकम भक्तम वंदे अति आर्तः दुराशया। ये सनातन गोस्वामी
का श्लोक है, ये वंदना कर रहे हैं और वंदना के विषय में कह रहे हैं कि दुराशया आर्त, दूषित आशय होने से हम बहुत दुखी हैं, आर्त है, दुराशया, हृदय दूषित है, आशय दूषित है, इसके चलते हम आर्त हैं। कठिनाई होती है ना, सनातन गोस्वामी को कठिनाई हो या ना हो, हम लोगों को तो ऐसी कठिनाई है, चित्त दूषित है, भोग के तरफ जाता है, मन खिन्न हो जाता है, तो अपनी स्थिति बतला रहे दुराशया आर्त, हम अपने दूषित हृदय के कारण दुखी हैं, लेकिन इस स्थिति में हम वंदना करते हैं आर्तिक शरण। आर्त व्यक्ति के, दुखी व्यक्ति के जो एकमात्र शरण है उन कृष्ण की वंदना करता है, और आर्तान ब्रज जनांश्च तान, और कृष्ण के विरह में कृष्ण दूर चले गए हैं, उसके चलते जो ब्रजवासी दुखी हैं उनकी वंदना कर रहे हैं, और तम च आर्ता श्वासकम भक्तम, और उन ब्रजवासियों को आश्वासन देने वाले जो भक्त हैं उद्धव जी उनकी वंदना कर रहे हैं। किसकी किसकी वंदना कर रहे हैं, आर्तों के एकमात्र जो शरण है कृष्ण की, और कृष्ण के विरह से जो दुखी हैं उन ब्रजवासियों को, और ब्रजवासियों को जो सांत्वना देने वाले हैं उन उद्धव जी को, और तीन ग्रुप के वंदना है भक्तों के सहित। इसको हम लोग एक दो बार बोलेंगे, आप लोग पीछे से पहले बोलिए, आर्तैक शरणम कृष्णम, आर्तान ब्रज जनांश्च तान, तम चार्ता श्वासकम भक्तम, वंदेत्यार्तो दुराशया। आर्तैक शरणम कृष्णम, आर्तान ब्रज जनांश्च तान, तं चार्ता श्वासकं भक्तं, वंदेत्यार्तो दुराशया। और लोगों के लिए तो आर्त कह रहे हैं, लेकिन ब्रजवासियों के लिए आर्त कर रहे हैं, अपने लिए क्या कह रहे हैं, अति आर्त, हम अपने दूषित हृदय से बहुत दुखी। इन भक्तों के स्मरण से हमारा हृदय शुद्ध होगा, लेकिन स्मरण निर्बाध चले इसके लिए जिनका स्मरण कर रहे हैं उन्हीं की कृपा चाहिए। तो अब सब लोग साथ में बोलिए, आर्तैक शरणम कृष्णम, आर्तान ब्रज जनांश्च तान, तान चार्ता श्वासकम भक्तम, वंदेत्यार्तो दुराशया। आर्तैक शरणम कृष्णम, आर्तान ब्रज जनांश्च तान, तम चार्ता श्वासकम भक्तम, वंदे त्यार्तो दुराशया। अब हम लोग श्रीमद् भागवतम को प्रारंभ करेंगे, हम लोग आवृत्ति करेंगे दशम स्कंध के 46वें अध्याय का प्रथम श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्री सुकवाच वृष्णीना प्रवरः मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यः बृहस्पतेः साक्षात् उद्धवः बुद्धिसत्तमः श्रीशुक उवाच वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः साथ में बोलिए श्री सुक उवाच वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः श्री सुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा वृष्णी नाम वृष्णियों में से प्रवर श्रेष्ठ मंत्री सलाहकार कृष्णस्य भगवान श्री कृष्ण के दैत प्रिय सखा मित्र शिष्य शिष्य बृहस्पते है देवताओं के गुरु बृहस्पति के साक्षात प्रत्यक्ष उद्धव उद्धव बुद्धि बुद्धि वाले सत्तम सर्वोच्च गुण वाले अनुवाद और तात्पर्य अनुवाद श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा अत्यंत बुद्धिमान उद्धव वृष्णी वंश के सर्वश्रेष्ठ सलाहकार भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र तथा बृहस्पति के प्रत्यक्ष शिष्य थे। तात्पर्य आचार्यगण भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को वृंदावन भेजे जाने के कई कारण बताते हैं। श्री भगवान ने वृंदावन वासियों से वादा किया था आयास्य मैं लौटूंगा श्रीमद् भागवतम 10:39-35। यही नहीं पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने नंद महाराज को वचन दिया था द्रष्टुम ऐश्याम हम आपका तथा माता यशोदा का दर्शन करने वापस आएंगे श्रीमद् भागवतम 10:45-23। साथ ही भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री वसुदेव तथा माता देवकी के साथ कुछ दिन रहने का वचन भी नहीं टाल सकते थे क्योंकि उन्होंने इतने वर्षों तक कष्ट झेले थे। इसलिए भगवान ने अपने स्थान पर अपने घनिष्ठ प्रतिनिधि को भेजने का निश्चय किया। यह प्रश्न किया जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने नंद तथा यशोदा को मथुरा आने के लिए क्यों आमंत्रित नहीं किया। शिलजीव गोस्वामी के अनुसार जिस स्थान पर वे श्री वसुदेव तथा देवकी से प्रेम विनिमय कर रहे थे उसी स्थान पर और उसी समय नंद तथा यशोदा के साथ ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती। इसलिए उन्होंने नंद तथा यशोदा को अपने साथ मथुरा में रहने के लिए नहीं बुलाया। वृंदावनवासी अपने ही ढंग से भगवान श्री कृष्ण को समझते थे
मथुरा के राजसी वातावरण में उनके भावनाओं की सचमुच समुचित अभिव्यक्ति स्थिर भाव से न हो पाती। इस श्लोक में श्री उद्धव को बुद्धि सत्तम अत्यंत बुद्धिमान कहा गया, अतः वे वृंदावन में उन निवासियों को दक्षता से सांत्वना दे सकते थे जो भगवान श्री कृष्ण के लिए तीव्र विक्षोभ का अनुभव कर रहे थे। तत्पश्चात मथुरा लौटकर उद्धव वृंदावन में देखे गए असाधारण शुद्ध प्रेम का वर्णन सभी वृषवंशियों से कर सकेंगे। निःसंदेह भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपों तथा गोपियों का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के अन्य भक्तों द्वारा अनुभूत प्रेम से बहुत बढ़ा हुआ था और इस प्रेम के विषय में सुनकर भगवान श्री कृष्ण के समस्त भक्त अपनी श्रद्धा तथा भक्ति में संवर्धन कर सकेंगे। जैसा कि स्वयं भगवान ने तृतीय स्कंध में कहा है, नो धवण वपि मन न्यून, उद्धव मुझसे तनिक भी भिन्न नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के समानता रखने वाले उद्धव भगवान श्री कृष्ण का संदेश वृंदावन ले जाने के लिए सर्वथा उपयुक्त मनुष्य थे। वस्तुतः हरिवंश में कहा गया है कि उद्धव श्री वसुदेव के भाई देवभाग के पुत्र थे। उद्धवो देवभागस्य महाभाग सुतो भवत्। दूसरे शब्दों में उद्धव भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आप लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से ये बात स्पष्ट है कि भगवान के तीन निवास हैं, भगवान के तीन धाम प्रसिद्ध हैं, वृंदावन, मथुरा और द्वारका। भगवान तीनों जगह निवास किए। और तीनों जगह पर भगवान के प्रेमी हैं। हम लोग उद्धव जी की यात्रा के विषय में सुनेंगे, लेकिन उद्धव जी की यात्रा स्पॉन्सर है, श्री कृष्ण उनको भेज रहे। श्री कृष्ण उद्धव जी को ब्रज में क्यों भेज रहे हैं और इसके विषय में कुछ कुछ बात समझना चाहिए। देखिए, भगवान ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान सबसे अधिक प्रसन्न रहते हैं ब्रज में। कई एक जगह इसका उल्लेख है। मथुरा की स्त्रियां कहती हैं वृंदावन धन्य, क्योंकि वहां भगवान बंसी बजाते ठुमक कर चलते आनंद में रहते। ये मथुरा तो बेकार जगह, यहाँ आए तो इनको कुश्ती करना पड़ रहा है, कितना खराब स्थिति में डाल दिया गया। वे आपस में बात कर रहे हैं कि देखो वो कृष्ण के मुख पर पसीना आ गया है, बलराम जी का मुख लाल हो गया, बहुत भारी अन्याय हो रहा है। हम लोग बहुत हतभागी हैं कि एक तो बहुत दिन के बाद दर्शन हुआ, लेकिन ठीक जगह पर दर्शन नहीं हुआ, ये जगह खराब। धन्य है वृंदावन, भगवान वहाँ आनंद से रहते, बंसी बजाते, ठुमक कर चलते, ये सब आनंद के द्योतक, बंसी बजाना। और महावन से भगवान वृंदावन में आए और उस समय भी वर्णन किया गया है कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानी च आसित विक्षासित उत्तमा प्रीतिर राम माधवयोर नृप। जब महावन से भगवान वृंदावन में आए तो यहाँ देखे वृंदावनम, ये लंबा चौड़ा वन देखे, खेल के मैदान देखे और गोवर्धन देखे। गोवर्धन को देख रहे हैं
कि उसमें गुफा है और बहुत घने वृक्ष हैं, वृक्षों में फल लगा हुआ है और झरना गिर रहा है, उसको देख करके और जमुना पुलिनानी चाह, जमुना जी के पुलिन को, तट को, समतल तट को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। कह रहे हैं कि आसिद उत्तमा प्रीतिर राम माधवयोर निपह, कृष्ण बलराम को बहुत प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता अब तक वे अनुभव नहीं किए थे जितनी प्रसन्नता वृंदावन के दर्शन से कर रहे। वे वृंदावन के दर्शन से कृष्ण बलराम को प्रसन्नता हो रही, शब्द दे रहे राम माधवयोर नृप। राम का अर्थ है कि जिस व्यक्ति का संसार में कहीं मन नहीं लगता है, उस व्यक्ति का मन जो रमा ले उसको राम कहेंगे। जो योगी हैं तो संसार में उनका कहीं मन नहीं रमता है, लेकिन उनका भी मन जहाँ रम जाए उसको राम कहेंगे। तो सबके मन रमाने वाले हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होगा आप एक अनुमान कर सकते हैं। और माधव जो लक्ष्मी जी का पति है उनका क्या पोजीशन होगा, लेकिन उन व्यक्ति के विषय में कहा जा रहा है कि वृंदावन देह करके उनको उत्तमा प्रीति हुई, वृंदावन को देख करके, गोवर्धन को देख करके, यमुना के पुलिन को देख करके अतिशय प्रसन्न हुए। क्या वृंदावन की महिमा, जो लक्ष्मीपति है सबको सुख देने वाला है, वह व्यक्ति भी वृंदावन के दर्शन करके सुखी हो रहा है। इसके पीछे अब अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन तात्कालिक कारण तो यह है कि कृष्ण देख रहे हैं कि यहाँ खेलने के लिए बहुत सुंदर जगह। कृष्ण जब वृंदावन में आ रहे हैं तो उनको बहुत लंबा चौड़ा चिंता नहीं है, माँ से पूछ रहे हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। माँ बतला रही है कि वृंदावनम वनम, हम लोग वृंदावन में जा रहे हैं, तो कब घर आएंगे। तो माँ केवल इतना कह देती है कि घर तो साथ है, देखो तुम्हारे खिलौने के समान साथ चल रहे हैं। तो कृष्ण संतुष्ट हो जाते और उनको तत्काल में खेलने के लिए कहाँ जगह मिलेगा, यही प्रसन्नता का कारण है। यहाँ देख रहे हैं कि वृंदावन में तो दौड़ दौड़ करके खेल सकते हैं, लंबा जगह है, समतल जगह है, और गोवर्धन को देख करके कि गुफा में छिप करके खेल सकते हैं, पेड़ पर चढ़ करके खेल सकते हैं, वो जल गिर रहा वहां स्नान करके खेल सकते हैं, यमुना के पुलिन को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं कि यहाँ नृत्य करने के लिए अच्छा जगह। तो तात्कालिक कारण तो यही है, लेकिन प्रसन्नता का और भी कारण है। एक महत्वपूर्ण कारण है कि वृंदावन के जितने भी प्राणी हैं सब कृष्ण से प्रेम करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने प्रेमियों के बीच में आकर के प्रसन्नता अनुभव करता है और कृष्ण बहुत प्रसन्न है, लेकिन कृष्ण वृंदावन में बहुत दिन तक नहीं रह पाए। 8 साल लगभग रहे, 11 साल के उम्र में उनको मथुरा जाना पड़ा। और मथुरा जाना आवश्यक था क्योंकि माता पिता जेल में थे, माता पिता को जेल से मुक्त करना ये तो कर्तव्य है ना। लेकिन अब माता पिता को मुक्त करके कर्तव्य का निर्वहन किए भगवान, लेकिन माता पिता के भी अपनी इच्छा होती है। कोई भी माता पिता है तो अपने पुत्र का अभ्युत्थान चाहते, उसका उन्नति चाहते। अब तो वसुदेव और देवकी तो एक ग्लानी महसूस कर रहे हैं कि जिस समय हम लोगों को कृष्ण बलराम को शिक्षा देना था उस समय नहीं दे पाए,
लेकिन भले ही देर हुई, अब उनको सबसे पहले शिक्षा देना चाहिए, तो गुरुकुल में भेजा। अब भगवान की स्थिति थी कि जब ब्रज से जा रहे थे और गोपियों को देख करके वे बहुत दुखी थे, गोपियां रो रही थी, मूर्छा की अवस्था प्राप्त कर रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान अप्रभावित थे। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान भी, लेकिन भगवान की मजबूरी है कि रामा क्रूर युतो नृप, अबे अपने बड़े भाई के साथ है, चाचा के साथ है, और दुखी तो जरूर है, लेकिन जैसे गोपियां रो रही हैं वैसे रो नहीं रहे, अपने बड़े भाई के साथ है, चाचा के साथ है, अपने प्रेमिकाओं के भी को देख करके अब रोने लगे तो थोड़ा हो सकता है कि उन लोगों को उतना अच्छा न लगे, एक मर्यादा होती है। और कृष्ण भी बहुत दुखी थे, उनके आंख से भी अश्रु निकल रहे थे, लेकिन अपने पिताम्बर से जैसे तैसे उसको पोंछ लेते थे। लेकिन गोपियों की स्थिति को देख करके अवे संदेश दिए, एक दूत से कहे कि आया से मैं आऊंगा, उनको वचन दिए थे। जब नंद बाबा मथुरा में अपना भेंट अर्पित कर दिए, वहाँ का उत्सव खत्म हो गया, कंस का वध हो गया, और नंद बाबा को भगवान अपने से कहे कि बाबा आप ब्रज में चलिए, हम जल्दी ही आपको देखने के लिए आएंगे। और देखिए भगवान कृष्ण गोपियों को वचन दिए हैं, माता पिता को वचन दिए हैं, जल्दी ही ब्रज में लौटूंगा। उनको भी ब्रज सबसे प्रिय स्थान है, लेकिन अब माता पिता गुरुकुल भेज रहे हैं, माता पिता की इच्छा का भी अनुसरण करना है। और भगवान बहुत जल्दी जल्दी विद्या अध्ययन किए कि 64 दिन में 64 कला सीख लिए। इतना जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करने के पीछे मुख्य कारण था कि जल्दी से वे ब्रज में लौटना चाहते थे, लेकिन अब जरासंध आक्रमण कर दिया और अब अपने संबंधियों को वैसे विषम स्थिति में छोड़ करके जाना यह उचित नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, प्रैक्टिकल समस्या थी, जरासंध आक्रमण किया था कृष्ण के द्वेष से, और कृष्ण मथुरा में है तो मथुरा में आक्रमण कर रहा था, और कृष्ण यदि ब्रज में जाते तो ब्रज में आक्रमण करता, तो एक तरह से भगवान ब्रजवासियों के सुरक्षा के लिए मथुरा में थे। भगवान चैतन्य चरितामृत में स्वीकार किए कि अब 2-4 बचे हैं, उनका वध हो जाएगा, मैं आऊंगा। तो भगवान मथुरा में थे लेकिन बहुत संतप्त थे, बहुत दुखी थे। उनके दुख को हम समझ सकते हैं एक उदाहरण से। देखिए जो दवा बनाने वाले हैं, आयुर्वेद के वैद्य हैं, तो वो लोग कोई कोई औषधि आग में तपा करके बनाते, उनका सिस्टम है कई एक लता को या पता को और जो चीज एक घड़े में बंद कर देते हैं, एक मटका में बंद कर दिए, और वे जमीन खोद करके उसमें गोईठा रह करके कंडरा जो बहुत कड़ा आँच होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको रखते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। तो घड़ा के भीतर जो औषधि है वो तप्त होता है, घड़ा के अंदर ताप है लेकिन बाहर से कुछ पता नहीं चलता। तो भगवान का ताप कुछ वैसा ही था, हृदय में बहुत तप्त थे। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि कृष्ण क्या दयालु हैं, गोपियों को उतना तड़पाए और जाकर के मथुरा में रह गए,
और थोड़ा कृष्ण के परिस्थिति पर भी विचार करो। और कृष्ण ऐसा नहीं है कि गोपियों के प्रति उदासीन थे, वे बहुत तप्त थे, लेकिन यही थोड़ा अंतर हो जाता है। स्त्री और पुरुष में कुछ कुछ अंतर है, लाख लड़ाई करते रहे कि सब समान है, लेकिन दोनों का व्यक्तित्व तो अलग है। कृष्ण पुरुष है, अपने दुख को हृदय में ही छिपा करके रख लेते थे। उनका जो ताप है तो उस ढंग का है जैसे घड़े में औषधि रखा जाता है, उस पर आग में डाल दिया जाए, बाहर से पता चले या न चले, वो घड़ा भीतर से तप्त है, वो गल जाता है औषधि। तो वैसे कृष्ण बहुत तप्त थे, वे आतुर थे ब्रज में आने के लिए। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति थी मथुरा के कि वे आ नहीं सकते थे, तो विचार कर रहे थे कि हम तो नहीं जा सकते, लेकिन किसी को भेजना चाहिए। वचन दिए हैं और उनको पता है कि ब्रजवासी अतिशय दुखी हैं, तो सांत्वना के लिए चिंतित थे कि कैसे उनको सांत्वना दिया जाए। तो विचार कर रहे थे किस व्यक्ति को भेजा जाए, हम तो नहीं जा सकते। और उनके विचार में आ रहा था कि उद्धव ठीक व्यक्ति हो सकते। तो अब भगवान के विचार का ही एक तरह से प्रस्तुतिकरण सुखदेव गोस्वामी अपने शब्दों में कर रहे हैं। ये भगवान उद्धव को भेजने का विचार कर रहे हैं, तो उद्धव के क्या गुण हैं इसको सुखदेव गोस्वामी यहाँ बोल रहे हैं। एक बार फिर से आप लोग इस श्लोक को बोलिए। वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। उद्धव जी का परिचय दे रहा है कि वृष्णि नाम प्रवरः, वृष्णिवंशी लोगों में ये श्रेष्ठ थे, प्रवर थे। वृष्णिवंशियों का परिचय दिया गया है इसी श्रीमद् भागवत में, इंगितज्ञ पुरु प्रौढ़ एका रामस्य सात्वता। वृष्णिवंशी बड़े ही उन्नत बुद्धि वाले थे, उनके विषय में कहा इंगितज्ञ, वे लक्षण से किसी बात को समझ लेते थे, इतना उनकी बुद्धि तीव्र थी, इंडिकेशन से समझ जाते, लक्षण से समझ जाते थे, बाहरी लक्षण से हृदय की बात को समझने की क्षमता रखते थे। और उन वृष्णिवंशियों में वे श्रेष्ठ थे, प्रवर थे। और मंत्री, वे मंत्री थे। मंत्री का अर्थ है कि समय समय पर वे सलाह देते थे। देखिए भगवान सर्व ज्ञान संपन्न है, लेकिन अपने मुख से वे स्वीकार किए हैं कि उद्धव हमसे कम नहीं है। और भगवान उद्धव को हमेशा साथ रखते थे कि कोई अड़चन आ जाए तो उद्धव इसमें सहायता करेगा, और समय समय पर उद्धव जी सहायता करते थे। एक बार की घटना है, भगवान सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, सब लोग साथ में थे, नारद जी वहाँ आए, नारद जी से समाचार पूछे, कहे कि आप तो सब जगह घूमते रहते हैं, हमारे भाइयों का क्या समाचार है। नारद जी बतलाए कि आपके भाई मतलब पांडव लोग एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, और हमको वे संदेश दिए हैं कि जा करके कृष्ण को बतला दीजिए, वे आपकी सहायता चाहते, आपके अध्यक्षता में वे यज्ञ करना चाहते, उनकी इच्छा है कि आप वहाँ उपस्थित होइए। और ऐसे नारद जी बतलाए कि पांडव लोग आपको चाह रहे हैं अपने निकट, यज्ञ में सहायता चाह रहे हैं आपसे,
और उसी समय एक दूत आ गया। जरासंध अयुते 20,000 राजाओं को बंदी बना लिया था। अब ये लोग जैसे तैसे एक दूत भेजे, कृष्ण के पास पत्र दिए कि जा करके कृष्ण से सहायता लो। वो आ करके दूत उन बंदियों के पत्र को पढ़ा। बंदी लोग कृष्ण से याचना किए थे कि हमारा उद्धार कीजिए, हमको मुक्त कीजिए, इसे बंधन से हमको मुक्त कीजिए, हमको यहां से छुड़ाइए। अब जब जादुओं के समक्ष प्रस्ताव आया कि बंदियों को मुक्त करना है, कुछ शरणागत भक्त हैं जो हमारी सहायता चाह रहे हैं, तो जादव लोग उसके लिए उद्यत हो गए। भगवान के सामने समस्या दो चीज है, एक तरफ युधिष्ठिर महाराज चाह रहे हैं कि कृष्ण यहाँ आवे, हस्तिनापुर आवे, और उधर बंदियों का प्रार्थना है कि हमको मुक्त कीजिए। और यह दरबार में ही दोनों बात रखा गया, सब लोग वहां थे। और खास करके जादुओं में जो युवक थे, नए उम्र के लड़के थे, तो वे तो यह सुन करके कि हम लोगों को सहायता, हम लोगों से कोई सहायता मांग रहा है, तो उनकी इच्छा तो तुरंत उनकी सहायता करनी चाहिए। हम लोगों के पास शक्ति है तो किस दिन काम आएगा, कोई शरणागत है उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो वे लोग चाह रहे थे कि तुरंत सेना ले करके जरासंध से युद्ध किया जाए। और क्षत्रियों में युद्ध का निमंत्रण मिलता है तो और उत्साह आ जाता है, तो वे लोग चाह रहे थे कि तुरंत युद्ध किया जाए, देर नहीं होनी चाहिए, वे एकदम युद्ध के लिए उद्यत थे। भगवान ने उद्धव जी से पूछे कि क्या करना चाहिए। वे देख रहे थे कि यादव के जो लड़के हैं ये तो लड़ाई के लिए ही तैयार हैं, और उद्धव जी कहे कि ना, देखिए थोड़ा विचार कीजिए, अरे चाहे राजसूय यज्ञ का संपादन हो या बंदियों को छुड़ाना, दोनों स्थिति में जरासंध पर विजय प्राप्त करना तो आवश्यक है। वे जब तक जरासंध को हराएंगे नहीं तब तक वो छोड़ने देगा, वो छोड़ेगा बंदियों को, और जब तक जरासंध को पराजित नहीं करेंगे तब तक राजसूय यज्ञ भी नहीं कर सकते। तो उद्धव जी सलाह दिए कि इस समय युद्ध करना ठीक नहीं है, जरासंध पर विजय तो आवश्यक है लेकिन युद्ध ठीक नहीं है, हस्तिनापुर जाना चाहिए और भीम और अर्जुन को लेकर के जाइए, और जरासंध से मल्ल युद्ध की भिक्षा मांगियो, ब्राह्मणों का भक्त है तो आप लोग ब्राह्मण के वेश में जाइए, ब्राह्मण के वेश में जाइए, और उसे भीम के साथ अकेले युद्ध करने का भिक्षा मांगिए, और आपके सानिध्य में भीम उसको पराजित कर देगा, और इसलिए आप लोगों को हस्तिनापुर जाना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। भगवान उद्धव जी की बात माने। देखिए अब यादव लोग तो युद्ध के लिए उद्यत थे, लेकिन युद्ध करने पर बहुत भारी क्षति होती, जरासंध को पराजित कर देना इतना आसान नहीं था। उद्धव जी विचार करके कहे कि ना, युद्ध करना ठीक नहीं, और भगवान उनकी बात को यथावत मान लिए। गए युधिष्ठिर महाराज के पास, युधिष्ठिर महाराज भी यज्ञ का प्रस्ताव रखे, और भगवान कहे कि ठीक है दिग्विजय करो। अब जरासंध के विषय में युधिष्ठिर महाराज भी चिंतित थे कि अब सबको तो जीता जा सकता है, जरासंध को कैसे जीतेंगे। भगवान कहे कि भीम उस पर विजय प्राप्त कर लेगा। तो भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके भीम और अर्जुन को लेकर के गए। वह एक प्रश्न खड़ा किया गया है कि भीम के साथ तो युद्ध करना था, उसके साथ कुश्ती की आवश्यकता करने के लिए ले गए, भगवान अर्जुन को क्यों ले गए। भक्तों का विचार है
कि भगवान सोचे कि भाई बहुत बड़े पहलवान के पास जा रहे हैं, बहुत भारी योद्धा के पास जा रहे हैं, और कहीं हम पर आक्रमण कर देगा तब क्या करेंगे। अपनी सहायता के लिए, अपनी रक्षा के लिए अर्जुन को साथ में लेकर के गए थे। आप लोग कथा जानते हैं, वहां गए तो दान बेला में गए, अर्जुन नहीं, उद्धव जी बतलाए थे कि दान बेला में जाइएगा। कई एक राजा हैं कि उनका एक रूटीन है, स्नान करते हैं, तिलक करते हैं और चीज करके ब्राह्मणों को दान देते हैं। महाराज युधिष्ठिर के विषय में भी यह बात है। जब विदुर जी घर से निकल गए धृतराष्ट्र को लेकर के, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में वर्णन है कि युधिष्ठिर महाराज का जैसे रोज का नियम था, जागे, तिलक किए और भी पाठ किए और करके ब्राह्मणों का पूजन किए। युधिष्ठिर महाराज का रोज का नियम था, तिलगो भूमि रुकमय, ब्राह्मणों का पूजन करते थे, रोज दान देते थे, तिल, गाय, सोना और भूमि। वो कह रहे हैं कि यह कृत्य करके अब इसके बाद अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करते थे, उनके घर में जाकर वो पहले ब्राह्मणों को दान दे दिए, उनकी पूजा कर लिए, गृहम प्रविष्ट गुरु वंदनाय, अब अपने गुरुजनों के वंदना के लिए घर में प्रवेश किए। हम यह कह रहे हैं कि एक रूटीन होता है, आज भी कई एक लोग रोज दान देते हैं, खास करके बणिक वर्ग अपनी क्षमता के अनुसार नियम रखे हैं कि इतना दान निकाल देंगे, उनका गल्ला कहते हैं तैयार हो जाता है, फिर किसी को देते हैं। और कोई कोई व्यक्ति रोज अपने ऑफिस में आता है, लेकिन ऑफिस में प्रवेश करते ही पहले दान देता है। कई एक लोग मैंने दाल लाख दो लाख का चेक पहले किसी को देते हैं, किस संस्था को, ऐसा मैं सुना है कि बॉम्बे में कोई एक है व्यक्ति रोज सबसे पहले डोनेशन देता है। इस्कान को भी कई एक बार मिला है। तो उद्धव जी ये बात बतलाए थे कि दान बेला में जाइएगा, ये लोग गए ब्राह्मण के वेश में। वो पूछा कि आप लोग किस लिए आए हैं, कहे कि हम लोग भिक्षा के लिए आए हैं। जरासंध देख लिया कि आप लोग तो ब्राह्मण तो नहीं है, वो प्रत्यंचा चढ़ाने में घट्ठा पड़ा हुआ था, आप तो ब्राह्मण नहीं है लेकिन ब्राह्मण के वेश में भिक्षा के लिए आए तो ठीक है। अरे बलि महाराज के यहाँ तो बामन देव ब्राह्मण के वेश में ही गए थे, और बलि महाराज जानते थे कि ये देवताओं के पक्ष का है, लेकिन फिर भी अपना सर्वस्व दान कर दिए, वो आप लोग ब्राह्मण के वेश में आए हैं तो बतलाइए क्या चाहिए। तो भगवान कहे कि हम लोग अन्न के लिए नहीं आए हैं, हम लोगों को युद्ध चाहिए। जरासंध कहा कि युद्ध चाहिए, तुम्हारे साथ लड़ूंगा, डरपोक भाग गए ना, अब हमारी बेइज्जती होगी ना तुम्हारे साथ लड़ने में। और ये अर्जुन नाच गान करने वाला व्यक्ति कोमल शरीर का है, इसके साथ भी नहीं, हाँ भीम के साथ लड़ाई होगी। हम यह कह रहे थे कि वृष्णी नाम प्रवरु मंत्री, उद्धव जी मंत्रणा देते थे, भगवान उनसे मंत्रणा मांगते थे, इसलिए वे उनको मंत्री कहा गया। और ये मंत्री शब्द का दूसरा भी आशय है, जिसके पास धन है उसको क्या कहते हैं, धनी व्यक्ति को क्या कहेंगे, धनी, धनी है, धनी का मतलब उसके पास धन है। और मंत्री का क्या मतलब हुआ, मंत्र वाला। और मंत्र का क्या गुण होता है,
आदमी को मोहित कर लेता है। मंत्र मंत्र मुक्त सब देखते हैं ना, किसी पर मंत्र कोई मार देता है तो अपने बस में कर लेता है। तो मंत्री कहने का एक आशा यह है कि उद्धव जी का ऐसा व्यक्तित्व था, उनके पास ऐसी कला थी, मंत्र था कि किसी को भी अपने बस में कर सकते थे। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि वृष्णवंशियों में अनेक लोग हैं, लेकिन सबका भाव एक जैसा नहीं है, सबका भाव अलग अलग है, वो सबके साथ डीलिंग करना है। लेकिन यह सिद्ध मंत्र व्यक्ति है, यह किसी को भी वशीभूत कर लेगा, तो यह योग्य व्यक्ति है। या मंत्री का आशय है कि गुप्त मंत्र देते थे, कभी कभी एकांत में भी वे मंत्रणा करते थे। वे सामान्य मंत्री नहीं थे, राजा के विशेष मंत्री थे, अमात्य विशेष थे, तो इस अर्थ में भी मंत्री हैं। और कृष्णस्य दैतः सखा, उद्धव का परिचय दे रहे हैं कि कृष्ण के प्रिय सखा हैं। अभी कृष्ण का क्या अर्थ होता है? कृष्ण मतलब आकर्षक, जो चित्त को आकर्षित कर ले तो उसको कृष्ण कहेंगे। उद्धव का परिचय दे रहे हैं कृष्णस्य दैतः सखा, ये कृष्ण के सखा है। और जैसे कृष्ण सर्वाकर्षक हैं, सबको खींच लेते हैं, तो वैसे ही उद्धव भी सबको खींचने में सक्षम है। कृष्ण के सखा हैं तो साथ रहते रहते उनका गुण इसमें भी आ गया है। चुंबक के साथ है, साधारण लोहा में भी गुण आ जाता है। यहाँ जो परिचय दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कृष्णस्य दैतः सखा, तो एक आशय है कि जैसे कृष्ण सबको आकर्षित कर लेते हैं, तो वैसे ही उद्धव भी सबको आकर्षित करने में सक्षम। और दैतः सखा बड़े प्रिय सखा, समवयस्क है, और समवयस्क होने से वे कृष्ण के भावनाओं को भी समझ सकते हैं। समान उम्र के आदमी किसी के भावना को, अपने समान उम्र के लोगों के भावना को अच्छा से समझ पाता है। तो दैतः सखा, दैतः कहने का अर्थ है कि बहुत प्रिय हैं और इतने नजदीक रहे हैं कि वे कृष्ण के भावना को समझने में सक्षम हैं, वे समझ सकते हैं। और दैत्य बहुत प्रिय हैं, अपने उम्र के हैं, तो कृष्ण को ऐसा लग रहा है कि अपने स्थान पर इसको भेजा जा सकता है, सब तरह से फिट व्यक्ति। और उनका एक परिचय दे रहे हैं कि शिष्यो बृहस्पति साक्षात, वे बृहस्पति जी के शिष्य हैं। बृहस्पति जी ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ है, विद्वानों में सबसे श्रेष्ठ है, और उद्धव जी उनसे पढ़ करके आए, न्याय शास्त्र पढ़ करके आए हैं। और उद्धव फिट लग रहे हैं कि ये तर्क दे करके भी लोगों को समझा सकता है, कोई तर्क देने में यह सक्षम है, किसी भी तथ्य को यह लॉजिकल वे में इस्टेब्लिश कर देगा। और इसलिए इनको करें कि ठीक आदमी हो सकता है। और शिष्यो बृहस्पति साक्षात, बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, लेकिन उद्धव जी की ऐसी क्षमता थी, ऐसी प्रतिभा थी कि देव लोक से उनको निमंत्रण मिला। जैसे यहाँ आप लोग देखते हैं कि कोई प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, और विदेश के कई एक यूनिवर्सिटी उसको इनविटेशन देते हैं, तुम हमारे यहाँ आ सकते हो। और उद्धव जी को बृहस्पति जी के तरफ से निमंत्रण था कि तुम पढ़ने के लिए आ सकते हो, और जा करके वहाँ पढ़े। और कह रहे हैं कि शिष्यो बृहस्पति साक्षात, वे डायरेक्ट शिक्षा लिए हैं। डायरेक्ट कहने का आशय यह है कि ऐसा नहीं हुआ कि ऑनलाइन में पढ़ा दिए,
इस समय बहुत सिस्टम चला है ऑनलाइन, लेकिन ये ऑनलाइन और प्रत्यक्ष में अंतर हो जाता है। हम लोगों के भक्त हैं सार्वभौम दास जी, कहते हैं एफएम तो धृतराष्ट्र ईयरिंग है। एक दिन क्लास की चर्चा हो रही थी तो पूछे कि थे क्लास में, कहे कि एफएम पर्सनैलिटी, हाँ वो तो धृतराष्ट्र ईयरिंग है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख सकते हैं कितना अंतर होता है। देखिए, भगवान युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश दे रहे थे गीता को, और उस गीता को टेलीकास्ट किए संजय जी, और टेलीकास्ट हियरिंग पूरा पूरा किए धृतराष्ट्र, लेकिन कितना उन पर अंतर हुआ आप देख सकते हैं। लेकिन जब विदुर जी डायरेक्ट जा करके उनको शिक्षा दिए, गीता का ज्ञान दिए, तब कितना असर हुआ, एक कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। ओ भाई, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर होता है। तो दो तरह से, ऐसा नहीं है कि ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, डिस्टेंस एजुकेशन लिए, ना, डायरेक्ट शिष्यो बृहस्पति साक्षात। और कभी कभी होता है कि कैंपस में भी हैं, हॉस्टल में भी हैं, और जो प्रोफेसर लोग हैं वो तो अपने रिसर्च स्कॉलर को लगा देते हैं, पढ़ा दो, वही पढ़ा देता है। लेकिन कह रहे हैं कि शिष्यो बृहस्पति साक्षात, उद्धव नहीं, बृहस्पति जी उद्धव के प्रतिभा को देखे तो कहे कि ना इसको हम पढ़ाएंगे, तो अपने से शिक्षा दिए थे। और कह रहे हैं कि उद्धव बुद्ध साक्षात ने उद्धव बुद्धि सत्तम, और उद्धव जी बुद्धिमानों में सबसे श्रेष्ठ है। भगवान सर्टिफाई किए हैं कि बुद्धि में अणु मात्र भी हमसे कम नहीं है, ये उद्धव जी का परिचय है। या साक्षात उद्धव श्री शिष्यो बृहस्पति, ये बृहस्पति जी के शिष्य हैं, और साक्षात उद्धव, उद्धव का ऐसा व्यक्तित्व था कि जिधर जाते थे उत्सव का वातावरण हो जाता था। उद्धव का एक मीनिंग उत्सव होता है, और इनका परिचय दिया गया है स्कंद पुराण में कि उत्सव रूपोत्सव, यह उत्सव रूप है। देखिए, कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है क्या, वो जिस ग्रुप में चला जाए टेंशन का वातावरण हो जाता है, और कोई कोई व्यक्ति है कि उसके आते ही अब खुशी का वातावरण हो जाता है। और उद्धव जी का ऐसा व्यक्तित्व था कि उत्सव रूप थे। ब्रजवासी तो बहुत दुखी हैं, तो एक अनुमान किया जा रहा था कि इसका ऐसा व्यक्तित्व है कि वे जाएगा तो उत्सव हो जाएगा इसके पहुंचने से ही, तो साक्षात उत्सव, आयोजन नहीं करना पड़ता था, उद्धव जी अपने आप में एक उत्सव थे। यह परिचय दिया जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि ब्रजवासियों का क्या प्रेम है, क्या स्थिति है, उद्धव कितना कारीगर हुए, इतना गुण तो दिया गया है, लेकिन फिर देखिएगा, याद रखना होगा कि ये सब गुण फेल कर रहा है कि काम कर रहा है। तो भगवान बहुत चिंतित हैं, विचार कर रहे हैं उद्धव के विषय में भी, सोच रहे हैं उद्धव की फिट व्यक्ति हो सकता है, और ऐसे बहुत चिंतित थे। तब तक कुछ विशेष घटना हो गई, वे कह रहे हैं कि तमाह भगवान पृष्ठम, फिर से इस श्लोक की आवृत्ति कीजिए, श्लोक लाओ दूसरा और ऊपर कीजिए। तमाह भगवान पृष्ठम भक्तमेकांतिनम क्वचित,
गृहीत्वा पाणिना पाणिम् प्रपन्नार्ति हरो हरिः तमाह भगवान् प्रेष्ठम् भक्तमेकान्तिनं क्वचित् गृहीत्वा पाणिना पाणिम् प्रपन्नार्ति हरो हरिः। उद्धव जी का परिचय दिया गया तम, उस उद्धव से आह कृष्ण बोले। अब उद्धव के विषय में कह रहे हैं कि प्रेष्टम भक्तम एकांतिनम। उद्धव बहुत प्रिय हैं, ये प्रेम करने वाले हैं, भगवान के भक्त हैं, एकांतिक भक्त हैं, और भगवान के विषय में कह रहे हैं कि भगवान प्रपन्नार्ति हरो हरि है। भगवान अपने प्रेमियों के, प्रपन्न भक्तों के, शरणागतों के आरती का हरण करने वाले हैं। भगवान अपने भक्तों के आरती का हरण करते हैं, और उद्धव जी के विषय में कह रहे हैं कि भगवान के प्रेमी हैं और एकांतिक भक्त हैं। भगवान किसी समय क्वचित किसी स्थान पर किसी समय गृहीत्वा पाणिना पाणिम आह, उद्धव के हाथ को अपने हाथ में पकड़ करके बोले। तो यहाँ पर इस श्लोक में हम लोग देख रहे हैं कि कृष्ण के वक्तव्य को प्रस्तुत किया जा रहा है, उसको आगे कहेंगे। वक्तव्य आगे के श्लोक में है, कहने वाले कृष्ण हैं। भगवान आरती, भगवान प्रपन्नार्ति हर हरि आह, जो अपने शरणागत के भक्त को दूर करने वाले, स्वभाव से दूर उसके आरती को दूर करने वाले भगवान हैं, वे कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? प्रेष्ठम भक्तम एकांतिनम, अपने प्रेमी एकांतिक भक्त से। कैसे कह रहे हैं? उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ करके। और इन शब्दों पर थोड़ा विचार कीजिए, क्या कह रहे हैं तो आगे है, किससे भगवान कह रहे हैं। और उद्धव जी का परिचय दे रहे हैं भक्तम ने प्रेष्ठम। उद्धव जी भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रिय हैं। प्रेष्ठम का अर्थ है प्रीति करता, प्रेम करने वाला। और उद्धव जी बहुत प्रेम करते हैं और कह रहे हैं कि भक्तम। भक्तम का अर्थ है कि बहुत आदर से उनके सेवा करते हैं, परिचर्या करते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि लोग प्रेम करते हैं, प्रेम करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन प्रेम करते हैं आकर के खड़े रहेंगे, साथ में रहेंगे, बात करेंगे, लेकिन कोई कोई व्यक्ति है, कोई प्रेमी है तो बहुत आदर के साथ सेवा भी करता है। बहुत सारे प्रेमी हैं जो साथ में रहते हैं, वास्तव में प्रेम है, लेकिन अब चरण धोने की बात आई या झोला उठाने की बात आई तब वहाँ तो वे नहीं दिखते हैं, लेकिन कोई कोई हैं कि बहुत आदर के साथ सेवा भी करते हैं। और उद्धव जी के विषय में कह रहे हैं कि पृष्ठ कृष्ण से प्रेम करने वाले और भक्त हैं, आदर के साथ सेवा में तत्पर रहते हैं। तो दो बात तो कह दे, इसके साथ ही करें कि एकांतिक, वे एकांतिक भक्त हैं। और उद्धव जी के विषय में कितने शब्द दिए जा रहे हैं यहाँ? तीन, तीन शब्द है ना, प्रेष्ठ भक्त और एकांतिक। तो थोड़ा इन शब्दों पर विचार करेंगे। प्रेष्ठ प्रीति करता, उद्धव जी कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। कृष्ण के अभाव में
वे विकल हो जाते थे। ऐसा श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जब उद्धव जी को पता चला कि भगवान अपने लीला का संवरण करने वाले हैं तो बहुत दुखी हो गए, हाव भाव से समझ गए कि भगवान अपने लीला का संवरण करने वाले, बुद्धिमान हैं, समझ गए, जा करके कृष्ण से कहे कि लक्षण से लग रहा है कि अब आप अपने लीला का संवरण करने वाले हैं और कृपा करके आप हमको साथ ले चलिए। भगवान कहे कि तुम सही समझ गया, अब यहाँ रहने लायक नहीं है, ये जगह ही नहीं रहेगा, हम तो लीला को समाप्त करेंगे ही, ये जो स्थान है द्वारका इसको भी समुद्र डुबा देगा, और तुमसे मैं कह रहा हूँ कि तुम यहाँ मत रहना, तुम भी बद्रिकाश्रम चले जाओ और इस ज्ञान को वहां रखो। भगवान अपना कार्य समझ सौंप रहे हैं उद्धव को, वे कह रहे हैं कि हम तो बहुत जगह गए लेकिन कुछ जगह बाकी रह गया, बद्रिकाश्रम में मैं नहीं जा सका, तो हमारे बाकी काम को तुम पूरा करो। उद्धव जी भक्त तो हैं लेकिन इतना प्रेम है, वे कहने लगे कि ना, हम आपको छोड़ करके नहीं रह सकते। भगवान उनको असाइनमेंट दिए और एक दिन वो जा करके अकेले बैठ गए थे। उद्धव जी समझ गए कि अब यह तो लीला का अंतिम घड़ी दिख रहा है, भगवान के गंध के आधार पर उनके नजदीक पहुंच गए और बहुत विकल हो रहे थे, भगवान से बिलगाव की बात स्मरण करके सोच करके भगवान उनको उपदेश देने लगे। तो कितना कृष्ण और उद्धव का नजदीक का संबंध है, उद्धव जी कह रहे हैं तस्यानुरक्तस्य मुनेर मुकुंद प्रमोद भावा नतकंधरस्य। उद्धव और कृष्ण बैठे थे वहीं मैत्रेय ऋषि आ गए, और उद्धव जी कह रहे हैं तस्यानुरक्तस्य मुनेर मुकुंद, मैत्रेय ऋषि का पोजीशन देखिए तो वे ऋषियों की परंपरा में है, पराशर जी के पुत्र हैं और उनके और परंपरा प्राप्त व्यक्ति हैं, और तस्या अनुरक्त भगवान के बड़े ही प्रेमी भक्त हैं, अनुरक्त हैं, वे कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि उसका अस्थाई अनुभव आ गया है। देखिए किसी के हृदय में कुछ भाव है तो उसका शरीर पर भी प्रभाव दिख जाता है, जैसे क्रोध में कोई व्यक्ति है तो उसके ललाट पर रेखा आ जाते है, सिकुड़ जाता है, और अस्थाई क्रोध में रहे, टेंशन में रहे तो अस्थाई रूप से उसके ललाट पर कुछ सिकुड़न आ जाता है, रेखा दिख जाती है। तो मैत्रेय ऋषि के विषय में कहा गया है कि तस्यानुरक्तस्य मुनेर मुकुंद प्रमोद भावा नतकंधरस्य, वे इतने अनुराग करते थे कृष्ण से, इतना प्रेम करते थे कि भक्ति के आनंद में निमग्न रहते थे, प्रमोद भावा नतकंधरस्य, अब आनंद में रहते थे, उसका अस्थाई अनुभव आ गया था, उनका गर्दन झुक गया था आनंद में रहते रहते। लेकिन कह रहे हैं कि वे आ गए आश्लिण्वत और खूब अच्छा से सुन रहे थे, पोजीशन भी उनका बहुत बड़ा है और खूब अच्छा से सुन भी रहे थे, लेकिन उद्धव जी कह रहे हैं कि भागवत हमको बोल रहे थे, अपने दृष्टि से हमारी कातरता को उपशमित करते हुए, शांत करते हुए भगवान हमको सुनाए, मुख्य वक्ता उद्धव हैं, क्योंकि ये कातर हो रहे थे, भगवान से इतना प्रेम है कि भगवान से अलग होने में बहुत कातर हो रहे थे। उद्धव जी पृष्ठम बहुत प्रेम करने वाले और भक्तम आदर के साथ सेवा करते, ये आदर के साथ सेवा करते हैं, और आदर के साथ है तो बहुत लोग सेवा करते हैं, भक्त बहुत हैं। देखिए बहुत सारे लोग हैं कि बहुत श्रद्धा से बहुत आदर के साथ भगवान की आरती करते हैं, एकदम तन्मय होकर के आरती करेंगे
लेकिन जय जगदीश हरे, और हमारे शरीर का सब दुख खत्म हो जाए और हमारे घर में सब संपदा हो जाए, वहां आदर की कमी नहीं है, आदर खूब है, श्रद्धा खूब है, लेकिन अब उस भक्ति से, उस आदर से भिन्न करने के लिए कह रहे हैं एकांतिकम। जितने जादव हैं सब भगवान से प्रेम करते हैं, सब में भगवान के प्रति श्रद्धा आदर है, लेकिन सबसे ऊपर उद्धव जी है, इस अर्थ में कह रहे हैं एकांतिकम। अपृष्ठम भक्तम एकांतिकम, बहुत प्रेम करते हैं, एकांतिक भक्त है। अब भाई एकांतिक भक्त का क्या मतलब हुआ? एकांतिक भक्त किसको कहेंगे? भक्त का तो मतलब हुआ कि आदर के साथ सेवा कर रहा है, भगत है, लेकिन एकांतिक भक्त है, कौन है वो? भक्त से कैसे भिन्न है? तो देखिए एकांतिक श्रीमद् भागवतम में आया है, अभी गजेंद्र स्तुति हुई है, उसमें निकालो श्लोक, प्रसिद्ध एक श्लोक आया था जो रेगुलर है, सुने होंगे इसकी व्याख्या, सुने होंगे, एकांतिनो जश्चन कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्न अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्र मग्न। इसको एक बार बोलिए साथ में, एकांतिनो जश्चन कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्न अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्र मग्न। तो इस श्लोक के आधार पर हम लोग एकांतिक के तथ्य को देखें तो क्या क्या आ रहा है? कह रहे हैं कि जस्य एकांतिन, या दूसरे ढंग से भी अनुवाद है, जिनके एकांतिक भक्त हैं, भगवत प्रपन्न है, जो भगवान के शरणागति स्वीकार किए हैं, और उनके विषय में कह रहे हैं कि कंचन अर्थम अपि न वांछन्ति, जो एकांतिक हैं और उनका तो एक लक्षण है, प्रथम लक्षण है कि भगवत प्रपन्न, वे भगवान के आश्रय में, भगवान के शरणागति में, या भगवत प्रपन्न का एक अर्थ हुआ भगवत सर्वज्ञान मुक्तान प्रपन्न। भगवान का एक अर्थ सर्वज्ञ होता है, तो जो सर्वज्ञों के आश्रय में, मुक्तों के आश्रय में, उनको भी भगवत प्रपन्न कहा जाएगा। समझ रहे हैं? भगवत मतलब जो भगवान के प्रपन्न है, या जो मुक्तात्माओं के प्रपन्न है, उनका संग कर रहे हैं, और अब उनके विषय में कह रहे हैं कि कंचन अर्थम अपि न वांछन्ति, वे कोई भी अर्थ नहीं चाहते। अब गजेंद्र जी अपने स्तर से बोल रहे हैं, गजेंद्र जी तो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, कोई व्यक्ति चाहता है तो उसके किसी मनोरथ को आप पूर्ण करते हैं, और इतना ही नहीं उसको अपना परिकर भी बना लेते हैं। इष्ठम गति प्राप्नुमंति, जो आपकी भक्ति करता है, आपका आश्रय लेता है, तो उसका जो अभीष्ट है उसको प्राप्त करता है, और प्लस वो आपका परिकर भी बन जाता है। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको मुक्त कीजिए, हम बहुत भारी संकट में है। वो गजेंद्र जी अपने मोक्ष की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम तो पशु हैं, हम तो आपके शुद्ध भक्तों का बराबरी कैसे कर सकते, हम तो कामना कर रहे हैं, मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं, जल्दी मुक्त कीजिए, लेकिन आपके कुछ भक्त हैं जो मुक्ति ही नहीं, मेरे संकट से मूर्ति की बात क्या है, वे कोई भी कामना नहीं चाहते,
अर्थ धर्म काम कंचन अपि न वांछन्ति, वो एकांतिनो जस्न कंचनार्थम, कंचन अर्थम, कोई भी अर्थ न वांछन्ति, वे नहीं चाहते। वे कोई भी अर्थ उनको नहीं चाहिए, इसके पीछे कारण क्या है? उनके मन में किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, इसके पीछे कारण क्या है? हम लोग तो देखते हैं कि हम लोगों के मन में बहुत बहुत इच्छाएं आती रहती हैं, लेकिन एकांतिक भक्त के विषय में कह रहे हैं कि कंचन अपि अर्थम न वांछन्ति, और कोई भी अर्थ नहीं चाहते, चाहे वो धर्म हो, धन हो, भोग हो या मोक्ष हो, कोई भी अर्थ नहीं चाहते। तो ऐसे उनकी चेतना क्यों है? तो उसके पीछे कारण दे रहे हैं कि अत्यद्भुतम तरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मग्ना, वे भगवान के अद्भुत चरित का गान करते रहते हैं, अत्यद्भुतम अलौकिक चरित का गान करते हैं, और वे आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। अरे कोई कामना व्यक्ति तब करता है जब कुछ अभाव महसूस करता है, और उनको कुछ अभाव महसूस नहीं है, आपके जस के गान में ही निमग्न रहते, अपरम आनंद का अनुभव करते हैं, वो इसलिए वे किसी चीज की इच्छा नहीं करते। और भगवान के जस के श्रवण में, कीर्तन में बहुत भारी आनंद है। अब इतना भारी आनंद है कि उसके सामने ये विषय का आनंद फीका हो जाता है, वो उनकी इच्छा ही नहीं उदित होती है। इस बात को श्रुतियां और स्पष्ट ढंग से कही है। वेद स्तुति में एक श्लोक है, उसको कह रहे हैं कि दुरवगमात्म तत्व निगमाय तवात तनो। इस श्लोक को आप लोग एक बार पीछे से बोल लीजिए, तब साथ में बोल पाएंगे। दुरवगमात्म तत्व निगमाय तवात तनो, बोलिए, दुरवगम आत्म तत्व निगमाय तव आत तनो चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमण न परिलसन्ति केचित अपवर्गम अपि ईश्वर ते चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृहा। श्रुतियां कह रही हैं कि दुरवगमात्म तत्व निगमाय तवात तनु, भगवान आत तनु वे शरीर प्रकट किए, अपना श्री विग्रह प्रकट किए। किस लिए प्रकट किए हैं? कि भगवान का तत्व समझना बहुत कठिन है, दुह अवगम, जिसको समझना बहुत कठिन है, और निगमाय उसको ठीक से व्यक्ति समझ जाए, वो इसी के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, प्रकट होते हैं। गर्भस्तुति में कहा गया है कि भगवान अवतार न लें तो उनका विज्ञान नहीं होगा, अनुभव नहीं हो पाएगा। अनुमान व्यक्ति करेगा कि कोई सत्ता है, कोई कंट्रोलर है, लेकिन वो व्यक्ति कितना मधुर है, कितना संवेदनशील है, ये सब बात को नहीं समझ पाएगा। वो कह रहे हैं कि इस तत्व को समझना, आपके स्वरूप को समझना कठिन है, तो इसीलिए आप अपने श्री विग्रह को प्रकट करते हैं, अवतार लेते हैं, शरीर धारण करते हैं। और कह रहे हैं कि ऐसे अवतारी पुरुष का जो आप अवतार लेते हैं, तो चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणा, कुछ लोग हैं कि आपके इस चरित के अवगाहन में लगे रहते हैं। चरित महामृताब्धि, आपके जो लीला कथा है तो वह अमृत नहीं, महाअमृत का समुद्र है, अमृत समुद्र नहीं, महाअमृत समुद्र है। और परिवर्त परिश्रमण,
कोई कोई भक्त हैं कि इसी के अनुशीलन में लगे रहते हैं। और परिश्रमण ये जो शब्द है दो अर्थ में, परि निषेध के अर्थ में भी होता है, और एक अर्थ है परिश्रमण कि इतना अनुशीलन करते हैं उसी समुद्र में लगे रहते हैं कि उनका संसार सरणी का श्रम दूर हो जाता है। जो संसार का जीवन है और इसमें बहुत परिश्रम है, और भगवान का जो चरित्र है तो वह अमृत के समान सुखद है, अमृत के समुद्र के समान है। एक उदाहरण से इस बात को समझिए, जैसे गर्मी के दिन में कोई रास्ता चल करके आ रहा है, वो रास्ता चल करके आया तो थक जाता है, लेकिन स्नान कर लिया तो उसका परिश्रम दूर हो जाता है। और इस अर्थ में परिश्रमण उनका श्रम दूर हो गया, और कह रहे हैं कि न परिलसंत केचिद अपवर्गम अपि ईश्वर ते, हे ईश्वर आप सब कुछ देने में समर्थ हैं। ईश्वर मतलब सक्षम, कुछ भी दे सकते हैं। तो तीन चीज के तो बात दूर है, अपवर्गम अपि न परिलसंति, वे अपवर्ग के भी इच्छा नहीं करते। भी से अब ये आ गया कि अर्थ धर्म काम की तो इच्छा करते ही नहीं है, अपवर्ग के भी इच्छा नहीं करते, लेकिन केचित ऐसे कोई कोई होते हैं, केचित इति विरल, सबकी स्थिति नहीं, कोई कोई के मोक्ष को भी नहीं चाहते। अरे भाई चाहते नहीं है, केचित अपवर्गम अपि, मोक्ष भी नहीं चाहते, भोग भी नहीं चाहते। चाहते तो जरूर नहीं है, मान लिया, लेकिन जो उनके पास है उसका भोग करते हैं ना, तो कहते हैं कि ना चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गी है, कि भक्तों का संग हो जाता है। चरण सरोज हंस, हंस कमल पर रहता है, लेकिन अब कुछ लोग हैं कि चरण कमल पर रहते हैं, चरण सरोज, सरोज पर नहीं, चरण सरोज पर। तो हंस तो कमल पर रहता है, लेकिन चरण कमल पर कौन रहते हैं? भक्त। और कुल मतलब समुदाय, अब भक्तों के समुदाय में पड़ गए, उनके संग हो गया, तो विसृष्ट गृह, जो घर में सुविधा है तो वह अभी छूट जाती है, और भोग नहीं कर पाते हैं। तो सुविधा की इच्छा तो करते ही नहीं है, जो घर में सुविधा है तो वह अभी छूट जाता है, कैसे? भक्तों के संग से। इसी को कह रहे हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा हमारे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए, दुरवगमात्म तत्व निगमायत बात तनह, दुरवगमात्म तत्व निगमायत बात तनह, चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमण, न परिलसन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते, चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृह, दुरवगमात्म तत्व निगमायत बात तनह, दुरवगमात्म तत्व निगमायत, चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमण,
न परिलसन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते चरण सरोज हंस कुल संग विश्रेष्ठ गृहा गजेंद्र जी एकांति का लक्षण बोल रहे हैं, पीछे आ जाओ। एकांतिनो जस्यन कंचनार्थम, उनको कंचनार्थम वांछन्ति, कोई भी अर्थ नहीं चाहते हैं। और भगवत प्रपन्न भगवान के आश्रित हैं, वही क्यों उनके मन में इच्छा नहीं होती है। वे कह रहे हैं कि अत्यद्भुतम त चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मग्न, वे आपके अति अद्भुत सुमंगल चरित का गान करते रहते हैं और आनंद के समुद्र में निमग्न है। अब आनंद के समुद्र में निमग्न है तो इसलिए कोई इच्छा नहीं होती है, कुछ नहीं चाहते हैं। तो भगवान के चरित के विषय में कर अत्यद्भुतम सुमंगलम, ये अत्यद्भुत है और सुमंगल है। सुमंगल का अर्थ है कि हमारे सारे अमंगल को दूर करता है, जो भी पाप ताप है उसको सब दूर करने वाला और हमारे अभीष्ट को प्रदान करने वाला है, भगवत धाम दिलाने वाला है। अत्यद्भुतम विचित्र इसका प्रभाव है। विचित्र प्रभाव तो बहुत अर्थ में हो सकता है। एक विचित्र प्रभाव आप समझ सकते हैं कि सुनने मात्र से, श्रवण करने से यह शुद्ध कर देता है। केवल सुनेंगे और यह शुद्ध कर देगा। जब नृसिंह देव हिरण्यकश्यपु का वध कर दिए, सब लोग भयभीत थे। जब उनका अब क्रोध थोड़ा शिथिल हुआ तो दूर से ही वे नृसिंह देव को नमस्कार कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी आकर के कह रहे हैं, नतोस्म्यनन्ताय दुरंत शक्तय, हे अनंत न त अस्मि, हम आपके सामने झुके हैं, आपकी शक्ति अनंत है। और कह रहे हैं विचित्र वीरजाय, आपका विचित्र प्रभाव है। अरे क्या विचित्र प्रभाव है? वो कह रहे हैं पवित्र कर्मणे, अब भगवान के कर्म है तो पवित्र है। पवित्र कहने का अर्थ यह है कि वे पवित्र करने वाले हैं। श्रवण मात्रेण शोधकानि, भगवान के चरित का यह प्रभाव है कि हम केवल सुनेंगे और उसी से शुद्ध हो जाएंगे, केवल श्रवण मात्र से शुद्ध हो जाएंगे। और सुमंगलम, हमारे सारे पाप ताप को दूर करेगा, हमारे अभीष्ट को प्रदान कर देगा। तो वे लोग अब इसी चरित के गान में आनंदित रहते हैं, इसलिए कोई इच्छा ही नहीं होती। तो एकांतिक तो एक यह लक्षण देख सकते हैं। और बिल्कुल स्पष्ट रूप से एकांतिक की परिभाषा विष्णु पुराण में दी गई है। उसमें लिखा गया है कि विहाय पितृ देवादीन परिनिष्ठां गतौ हरि तत्गाढ़ प्रेम भी पूर्णम एकांति इति निगद्यते। उद्धव के लिए कह रहे हैं कि प्रेष्टम भक्तम एकांतिनम, एकांतिक भक्त थे। एकांतिक भक्त किसको कहते हैं? तो इसके परिभाषा दे रहे हैं विष्णु पुराण में कि विहाय पितृ देवादीन, जो पितर देवता इत्यादि को छोड़ दिया और परिनिष्ठां गतौ हरि, और केवल भगवान में ही परिनिष्ठ हो गया। देखिए दो पक्ष है, देवता पितर की उपेक्षा कर रहे हैं लेकिन भगवान में एकदम परिनिष्ठ है। भूल नहीं करना चाहिए, ऐसा देख करके क्षोभ होता है। कई एक लोग हैं कि भगवान में परिनिष्ठ नहीं है और पितर और देवता की उपेक्षा करते हैं। आदमी की, नेता का, परेता का, किसका किसका उपेक्षा नहीं करेंगे?
और पितर और देवता की उपेक्षा कर रहे हैं। यह एकांती का लक्षण नहीं है। एकांती का लक्षण दे रहे हैं कि पितृ या देवता को छोड़ करके परिनिष्ठाम गतौ हरि, एकदम भगवान में निष्ठ हो गया। निष्ठ ही नहीं परिनिष्ठ, निष्ठ का अर्थ होता है कि एकदम नितराम स्थिति, एक जगह टिक जाए, अब उसमें कोई बदलाव ना हो, हिले डुले ना, तो उसको निष्ठ कहेंगे। तो एकांती का अर्थ दे रहे हैं कि एकदम भगवान में ही परिनिष्ठ है। और तद गाढ़ प्रेम भी पूर्णम, और भगवान के गाढ़ प्रेम से पूर्ण है। और एकांती इति निगद्यते, और उस व्यक्ति को एकांतिक भक्त कहा जाएगा। वह एकांती है, भगवान से प्रेम से भरा हुआ। और उद्धव जी के विषय में कह रहे हैं कि भक्त एकांती में, वह एकांतिक भक्त है। और आप उद्धव के व्यक्तित्व को देख सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंध में कथा आती है कि विदुर जी घर से निराश होकर के तीर्थ भ्रमण में थे। अब तीर्थ में घूमते घूमते मथुरा क्षेत्र में आए, जमुना के तट पर आए, तो ददर्श भागवतम, अब वहाँ उद्धव जी का दर्शन हुआ। उद्धव जी को देखे और जा करके उद्धव जी का आलिंगन किए प्रेम से, और अपने स्वजनों के विषय में पूछने लगे। सबसे पहले कृष्ण बलराम के विषय में पूछ रहे हैं कि वे कुशल पूर्वक सुरसेन के घर में है ना, जो ब्रह्मा जी के प्रार्थना पर अवतीर्ण हुए। क्वचित पुराण, जो पुराण पुरुष हैं तो कुशल पूर्वक है ना, और स्वजनों के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। जब विदुर जी कृष्ण बलराम के विषय में प्रश्न किए उद्धव जी से, उद्धव जी तुष्णिम अभवत, ये प्रश्न सुने लेकिन कुछ बोल नहीं सके, क्योंकि अस्मरा अस्मारितेश्वर, उनको भगवान का स्मरण और तीव्र करा दिया गया। वे भगवान का तो स्मरण कर ही रहे थे, लेकिन अब विदुर जी प्रश्न क्या किए, उनका स्मरण और तेज हो गया और वे एकदम चुप हो गए। तुष्णिम, एकदम चुप, अब कुछ बोल नहीं रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि वे तो बाल्य अवस्था से ही कृष्ण के अर्चना करते थे, भक्त थे, आदर पूर्वक अर्चना करते थे। उनके विषय में कहा गया है कि प्रात आशाय याचित, उद्धव जी अभी छोटे उम्र के थे, 5 साल के थे, और उसी समय खेल खेल में ही भगवान की अर्चना करते थे। जैसे बच्चे हैं तो मिट्टी का गुड़िया बनाते हैं, विवाह कराते हैं, क्या क्या करते हैं। वो कह रहे हैं कि यह पंचहायनो मात्रा प्रात राशाय याचित तन्नैच्छद रचयन जैसे सपरियम बाल लीलया। और उद्धव जी के जीवन में देखा गया कि अभी 5 साल के हैं और उसी समय भगवान की पूजा करते थे, सपरियम भगवान की मूर्ति बनाते थे और खेल खेल में उनकी आरती करते थे, और इतना अभिनिविष्ट हो जाते थे कि माँ भोजन के लिए बुला रही है लेकिन भोजन की उनकी इच्छा नहीं होती। ऐसा नहीं कि सुबह खा लिए हैं तो अभी भूख नहीं लगे, प्रात राशाय, और सुबह के भोजन के लिए, नाश्ता के लिए बार बार माँ बुलाती है, लेकिन उद्धव जी कृष्ण के पूजा में लीन रहते थे, खेल खेल में, भोजन की इच्छा नहीं करते थे। तो कह रहे हैं कि पृष्ठो वार्तम प्रतिभूया भर्तुः पादा वनुस्मर सकथम सेवया तस्य। अब उद्धव जी इतने कृष्ण की सेवा किए थे बाल्यावस्था से कि काले न जरसम गत, पूरा जीवन बीत गया सेवा में। या एक अर्थ है कि काले न जरसम गत, वे इतनी सपरिया किए थे, इतनी पूजा किए थे
कि समय आने पर भी उनमें बुढ़ापा का लक्षण नहीं आया उस पूजा के प्रभाव से। काले न जरसमगत, उम्र तो बीत गई लेकिन बुढ़ापा को न प्राप्त किए। तो पृष्ठवार्ताम प्रतिब्रूयात पादाव अनुस्मरण, वो कैसे अब पूछे हुए उत्तर का प्रश्न का उत्तर दे दे। वे तो भगवान के चिंतन में निमग्न हो गए और कह रहे हैं कि सब मुहूर्त मभुत तुष्णी कृष्णांग्रि सुधया विषम। अब इतना गाढ़ स्मरण हुआ कि कुछ देर के लिए तो एकदम चुप हो गए। तो चुप जरूर हैं लेकिन पुलकुद भिन्न सर्वांगो, उनका सारा शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया और कह रहे हैं पूर्णाक्ष पूर्णार्थ लक्षितस्ते न। उद्धव जी देख रहे हैं कि यह व्यक्ति पूर्णार्थ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। स्नेह प्रसर संप्लुत, वे एकदम प्रेम की धारा में डुबकी लगा रहे थे, डूबे हुए थे। प्रेमा ने स्नेह प्रसर, वो स्नेह की धारा करंट चल रहा है, धारा बह रही है स्नेह रूप नदी के, और उसमें वे डूबे हुए वे देख रहे हैं। विदुर जी पूर्णार्थ लक्षितस्ते न, इस सब लक्षण देख रहे हैं। तो एकांती भक्त का एक लक्षण दिया जा रहा है कि प्रेम भी है, वो प्रेम से गाढ़ प्रेम से परिप्लुत होता है। और उद्धव जी के जीवन में ऐसा देखा गया है। और उद्धव जी के परिचय दे रहे हैं, भगवान जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो उसके विषय में कह रहे हैं कि तमाह भगवान पृष्ठम भक्तम एकांतिनम, और क्वचित भगवान बात कर रहे हैं और एक शब्द से उसका निर्देश कर रहे हैं क्वचित। वो क्वचित का क्या मतलब, कहीं या कभी। वो स्थान के विषय में भी होता है और काल के विषय में भी। तो सुखदेव गोस्वामी तो इतना कह रहे हैं कि क्वचित अब किसी समय या किसी स्थान में, लेकिन अब हम लोगों को तो कुछ सेंस नहीं मिल रहा है। सनातन गोस्वामी इसको कह रहे हैं कि क्वचित का अर्थ है कि ब्रज स्मृति विशेष जन के कस्मिंश्चित समय स्थाने वा। एक क्वचित का सनातन गोस्वामी अर्थ कर रहे हैं ब्रज स्मृति विशेष जन के। और भगवान को तो ब्रज की सदैव स्मृति है, लेकिन विशेष जन के कोई स्थान, कोई ऐसा स्थान जहाँ विशेष रूप से स्मृति हो गई, या वह समय जहाँ विशेष रूप से स्मृति हो गई, तो उस समय उद्धव से कह रहे हैं। और कैसे कह रहे हैं कि उनके हाथ को पकड़ करके, भाई हाथ पकड़ करके कह रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। देखिए एक तो भगवान उद्धव में स्नेह का संचार करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हाथ पकड़े हैं, या विश्वास दिलाने के लिए। बहुत गंभीर बात कह रहे हैं, बहुत गोपनीय बात कह रहे हैं तो हाथ पकड़ करके कह रहे हैं। या एक स्थिति यह है कि अब कृष्ण ब्रज के स्मृति में इतने भावुक हो रहे हैं कि अपने को संभालने के लिए भी उद्धव का हाथ पकड़ रहे हैं। सनातन गोस्वामी क्वचित शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि ब्रज स्मृति विशेष जन के कस्मिंश्चित समय स्थाने वा, उस स्थान पर या उस समय पर जहाँ कृष्ण को ब्रज का विशेष स्मृति हो गई, हो रही थी। वो भाई कौन स्थान है, क्या है, अब इसका स्पष्ट तो यहाँ उल्लेख नहीं है, लेकिन दूसरे भक्त लोग इसका थोड़ा उल्लेख किए। इस समय वो पेपर सबके हाथ में जहाँ होते थोड़ा थोड़ा दे करके जल्दी से पहुँचा दीजिए। देखिए एक भक्त हुए हैं जगन्नाथ दास, वे इस अंश को थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास किए। एक कॉपी हमको भी दीजिए,
या सनातन गोस्वामी और पीछे जल्दी जल्दी बांट दीजिए, सनातन गोस्वामी क्वचित शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि किसी समय या किसी स्थान पर जहाँ कृष्ण ब्रज का विशेष अनुभव कर रहे हैं और उसका उल्लेख जगन्नाथ दास जी कह रहे हैं कि एक दिन की बात है, तो बहुत गड़बड़ हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो सुविधा देने के फेरे में सब चौपट हो गया। इधर भी है, पन्ना के फेरे में मत रहिए, इधर देखिए, आगे वालों को पन्ना की जरूरत नहीं है। और आप पहले सुन चुके हैं कि कृष्ण ब्रज के विषय में चिंतित रहते थे, सोचते ही रहते थे कि क्या करना है। लेकिन एक दिन विशेष घटना हो गई, वे जमुना जी के तट पर गए थे, उद्धव के साथ गए थे, और जमुना में स्नान करने के लिए, आचमन करने के लिए प्रवेश किए, और तब तक जमुना जी में एक कमल का फूल उनके पैर से टकराया, धारा में बह रहा था। अब टकराया कमल से तो लपक करके उसको थोड़ा सूंघना चाहे, ये थोड़ा थोड़ा गंध आ गया, उनको भनक लग गई कि विशेष गंध है, तो उसको अपने नाक तक लाए। अब उस कमल को सुन करके अब बहुत प्रभावित हो गए, अपने शुद्ध बुद्धि खो गए। देखिए, कोई भी प्रेमी है तो पागल जैसा ही हो जाता है। अंग्रेजी का एक कवि है, वो लिखा है कि पोएट लुनेटिक एंड लवर एक लेवल के होते हैं, कोई पागल कवि या प्रेमी एक लेवल के होते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि कोई सेंस नहीं है, कोई संभावना नहीं है, और फिर भी व्यक्ति पत्र लिखता रहता है। अब वास्तविक प्रेम की तो बात दूर है, जो फेक प्रेम है, अब उसमें भी क्या क्या लोग लिखते रहते हैं, लिफ्ट में लिख देते हैं, क्या क्या लिखते हैं। अब इसी आशा में लिखते हैं ना कि शायद वो पढ़ लेगा। तो जहां स्नेह है तो देखा गया है कि व्यक्ति पत्र देता है। भोजपुरी के कवि हैं, और राधा रानी के शब्दों में लिखते हैं कि ले ले जा संदेशवा बिरन बादरा, हे बादल हमारे संदेश को लेते जाओ, हमारे पत्र को कृष्ण तक पहुंचा देना। वो बादल को पत्र दे रही और संदेश दे रही है कि कह देना कि यहाँ सब है, लोग दुखी हैं, हमें पूरा पद नहीं याद है, जमुना झुरात गाढ़ पातम उरझात, यहाँ तो जमुना जी सूख गई, सारे वृक्षों के डाढ़ और पत्ते सूख गए, और कह दिया सारा ब्रज जरे बरसात में, जाकर के कृष्ण से कह देना कि बरसात में सारा ब्रज जल रहा है। और यदि नहीं आए तो गाय गोपी सब बिलखाए, रोते हुए मर जाएंगे। अब बादल के सामने समस्या है कि वे पत्र दे रही हैं, हम पत्र तो ले लेंगे, लेकिन डिलीवर कैसे करेंगे, एड्रेस चाहे ना, हम पहचानेंगे कैसे कि ना उसमें नहीं कोई समस्या होगी। वो रंग बाटे सांवले, वो रंग सांवला है और बसुरिया बीचे हाथ बा, वो बांसुरी अपने हाथ में लिए हैं, और सबसे पक्का परिचय है कि मुहम्मद देखत यहाँ लाख लोग साथ लोग, लाख लोग साथ लोग, आप जाएंगे तो पहचानने में कठिनाई नहीं होगी, लाखों लाखों लोग एक साथ उसके मुंह देख रहे होंगे। हो, राधा रानी बादल से अपना संदेश भेज रही है। भोजपुरी का ही एक गीत है, माँ कौशल्या कह रही है कि हे पक्षी थोड़ा देह करके आना, कैसे हमारा बेटा है, जंगल से आना तो हमारे बेटे को देख करके आना, वो कैसे घाम में सह रहा है, क्या क्या उसकी दशा होगी, तुम देख करके बतलाना।
और उसी तरह अब राधा रानी कभी कभी चिट्ठी लिख करके जमुना जी में डाल देती थी, ये शायद कृष्ण के हाथ में लग जाए। और चिट्ठी एक दिन कमल के पत्र पर, कमल के फूल पर लिख दी, तो उसी घटना का उल्लेख कर रहे हैं। आप लोग इसको एक बार देखिए, क्या नहाता जमुना में जल जाता एक देखो जात। कृष्ण जमुना में स्नान कर रहे थे, जलजात मतलब जलल, जो जल से उत्पन्न हुआ है कमल, वे देखे कि एक कमल बह रहा है। और कमल कुछ विचित्र है, जाको अध उरध अधिक मुरझायो है, वो कमल देख रहे हैं तो उसका ऊपर का और नीचे का वो अधिक मुरझाया हुआ है। क्या कनोटेशन है? अब राधा रानी डाली है यमुना जी में तो कमल को पकड़ी है, तो राधा रानी का शरीर तो ताप से जल रहा है, तो जो अंश उनके कमल का जो अंश उनके अंगुली के टच में आया तो अधिक मुरझा गया, तो विचित्रता है। वो तो कहे रत्नाकर उमही गई श्यामताई बासो बासो नासो नेको नासिका लगायो है। अरे उस कमल के विचित्रता को देख करके गंध के आकृष्ट होकर के कृष्ण उसको पकड़े और अपने नासिका के यहाँ लाए। और त्यों कछु झूमी झूमी बेसुध भये हाथ पाय परे उखरी अभाय मुख छाये है। अब जे वही उस कमल को सूंघे तो राधा रानी की स्मृति गाढ़ हो गई। अब राधा रानी के शरीर में कमल का गंध है, कमल से अधिक गंध है, उसको टच की है तो उनके शरीर का डायरेक्ट गंध उस कमल में है, तो उससे भी एकदम बेसुध हो गए। अब घूमने लगे और पाय पर उखरी, अब तो अपने पाय को भी नहीं संभाल सकते थे, अभाय मुख छाये और मुंह बिल्कुल फीका हो गया। पाये धरी द्वैके में जगाई लाई उद्धोतीर राधा नाम कीर जब औचक सुनाये हो। अब तो उद्धव जी देखे इस स्थिति को तो अब किसी तरह संभाल करके तट पर पहुंचा दिए और कृष्ण बेसुध पड़ गए, वहीं पड़े हैं। अब संयोग से कोई सुगा आया, तोता आया और राधा राधा बोल दिया, तब कृष्ण की चेतना वापस आई। तो यह विशेष समय का उल्लेख कर रहे हैं, यमुना जी के तट पर हैं और कमल के चलते अब ब्रज की स्मृति, खास करके राधा रानी की स्मृति बहुत अधिक जग गई। और इसको आप लोग पीछे से आवृत कीजिए, मैं बोलूंगा पीछे। नहात जमुना में जल जात एक देखो जात, जाको अध उरध अधिक मुरझायो है। नहात नहात जमुना में जल जात एक देखो जात, जाको अध उरध अधिक मुरझायो है। मुना में जा कहे रत ना कर उमही गहे श्याम ताही बास बास न सो नै कुनासिका लगायो है। तेह कच्छ झूमि घूमि झूमि बेसोध भय के हाय पाय परे उखरी अभाय मुख छायो है।
तो अब इस स्थिति को उद्धव जी देखे, कुछ समझ नहीं रहे थे कि ये क्या हो गया। जब कृष्ण चेतना में वापस आए तो उद्धव पूछने लगे, क्यों अधीर हो गया, तुम्हारी यह स्थिति क्यों हो गई? और भगवान चुप थे, कुछ बतला नहीं रहे थे, लेकिन उद्धव अब बार बार पूछने लगे तो कृष्ण कहे कि ब्रज के स्मृति आ गई, गोपियों की स्मृति आ गई। अब उद्धव जी कृष्ण को समझाने लगे, वे सखा है कि अरे यार पुरुष हो ना, इसके किसके जीवन में नहीं आता है, ऐसे अधीर होते हैं। अब बहुत बहुत बात बोलने लगे और कृष्ण उद्धव जी को भेजना ही चाहते थे सांत्वना देने के लिए गोपियों को, लेकिन अब कृष्ण अनुभव किए कि इसको जरूर भेजना चाहिए। ये न्याय तो पढ़ लिया लेकिन अभी कृष्ण प्रीति विज्ञान नहीं पढ़ा, यह तो बृहस्पति जी पढ़ा नहीं सकते थे। अब इसके जो आचार्य हैं, जो कृष्ण को वशीभूत करने का प्रेम जानते हैं, इतना होनहार है तो इसको वहां भेजना चाहिए। तो भगवान अपने कार्य के लिए उद्धव को भेज रहे थे, लेकिन अब इस घटना से उनको लगा कि उद्धव को इसको भी सिखाने के लिए भेजना जरूरी है। देखिए भगवान एक साथ कई एक कार्य करते हैं, भगवान के विषय में लोग प्रश्न करते हैं कि गोपियों को छोड़ करके क्यों चले गए, इतना कठोर क्यों बन गए। भगवान गोपियों का जस फैलाना चाहते हैं। जब कस्तूरी को रगड़ा जाएगा, लोढ़ा से पीसेंगे तो उसका गंध और फैल जाता है। गोपियां विरह में हैं तो उनके शब्दों से, उनके व्यवहार से उनका प्रेम प्रकाशित होता है, और उद्धव बुद्धिमान व्यक्ति है, यह उसको ठीक ठीक समझेगा और इसका वर्णन करेगा तो गोपियों का जस का विस्तार होगा। तो एक कारण यह भी है, और उद्धव को शिक्षा देना चाहते हैं कि इतना होनहार है तो इस विद्या को भी जानना चाहिए। वो कौन वह प्रेम है जो कृष्ण को भी वशीभूत कर देता है, और भगवत प्रीति भी ज्ञान जानना चाहिए। लेकिन अब ये जो विशेष स्थिति है और इसके विषय में कह रहे हैं कि अब तो बिल्कुल कृष्ण अपना सुदबुद्ध खो गए थे, कुछ देर तक मूर्छित ही हो गए थे, लेकिन इसके बाद चेतना आई तो उस समय भी वे पूरा नॉर्मल नहीं हुए, उद्धव के सहारे वे घर आए। तो इसको अब कह रहे हैं कि आये भुज बंध दये उद्धव सखा के कंध। कृष्ण आ तो रहे हैं लेकिन अपने बल से नहीं, उद्धव जी के कंधे पर हाथ दिए हैं और डगमग पायक परत धरत धराए हैं, और पांव लड़खड़ात रहा है, धीरे धीरे उसको रख रहे हैं। कह रत नाकर न बुझे कछु, बोलत ओ खोलत न नयन हूँ, अचेन चित छाए हैं। कह रहे हैं कि वे कुछ बोल नहीं रहे हैं, आंख भी नहीं खोल रहे हैं, इतना जरूर है कि चित्त में घबराहट के लक्षण दिख रहे हैं। पाई बहे कंजक में सुगंध राधिका को मंजू, ध्याय कदली बन मतंग लो मताए हैं। कि जैव ही उस कमल को सूंघे और राधा रानी के शरीर का गंध आ गया, वो नासिका में जाते बिल्कुल मतवाले हो गए। से उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कदली बन को देख करके उसके गंध से हाथी मतवाला हो जाता है, वैसे हो गए। अब टिप्पणी दे रहे हैं, कान्हा गए जमुना नहाने पर नए सिरसो, निके तहा नेह की नदी में नहाए आए हैं। ये कृष्ण तो गए थे स्नान करने के लिए जमुना जी में, लेकिन वहां तो स्नेह के स्नान करके आ रहे हैं, स्नेह के नदी में स्नान करके आ रहे हैं। और इसी बात को इस पद में कह रहे हैं, आये भोज बंध दये उद्धव सखा के कंध,
डग मग पाय पग धर धराए हैं आए भोज बंध दाये कहे रत न करन बुझे कछु बोलत खोलत न नैन हूँ अचैन चित छाये हैं पाई वह कंज मै सुगंध राधे का को मंजू ध्याय कदली बन मतंग मताए हैं पाई व कान्ह गए जमुना नहान पैन ये सिर सोनिकेतन है कि नदी में नहाई आए हैं तो इस समय कृष्ण के हृदय में विशेष स्मृति खास करके राधा रानी की। अब वे अपने माता पिता के लिए गोपियों के लिए संदेश दे रहे हैं, तमाह भगवान उद्धव से कह रहे हैं। वो कहना तो प्रारंभ किए लेकिन बहुत कुछ कह नहीं पाए, लेकिन उद्धव इतने विद्वान हैं कि बहुत चीज लक्षण से समझ गए। उद्धव का परिचय पहले ही सुन चुके हैं, तो अब कृष्ण उद्धव को भेजने का निर्णय पक्का कर लिए। दोनों तरफ से आवश्यकता, उद्धव को भी आवश्यकता है और गोपियों को भी एक संदेश देना है। उद्धव फिट व्यक्ति हैं, तो अब वे संदेश देना प्रारंभ कर रहे हैं। तमाह उद्धव जिसे कह रहे हैं, उद्धव से क्या कह रहे हैं इसका थोड़ा थोड़ा परिचय ने कैसे कह रहे हैं, कहना प्रारंभ किए तो क्या कृष्ण पर बीतता है, क्या उनकी स्थिति है, इसका वर्णन कर रहे हैं। विरह बिथाकी कथा अकथ अथाह महा कहत बनने जो प्रवीण सु कवीन सु के जो विरह का व्यथा है और इसको कहना तो अथाह है। अब इसका अंत तो कोई पा नहीं सकता, जो बड़े बड़े दक्ष कवि हैं तो वे भी इसको ठीक से नहीं कह पाते। कहे रत्नाकर बुझावन लगे ज्यो कान उद्धव को कहना है तो ब्रज जुवत निशो। ज्यो ही कृष्ण गोपियों के लिए कुछ संदेश देना प्रारंभ किए, गहवरी आयो गरो भभरी अचानक तो प्रेम परो चपल चुचाई पुतरी निशो। ज्यो ही गोपियों से कुछ संदेश देने के लिए बोलना शुरू किए तब तक उनका गला अवरुद्ध हो गया। अब बोलना उनके लिए कठिन था और कह रहे हैं चुवाई भभरी अचानक त्यों, अब स्पष्ट नहीं बोल पा रहे थे। और प्रेम पयो चपल चुचाई पुतरी निशु, एक चीज है तो स्पष्ट दिख रहा था कि प्रेम उनके आँखों से टपक रहा था, वो उससे चुचुआ रहा था, दिख रहा था। और कृष्ण शब्द से बहुत कम कह पाए, नैको कही बैननी अनेक कही नैननी सो। वे अपने जबान से शब्द से तो कुछ ही चीज कह पाए, बहुत कम चीज, लेकिन अधिक चीज अपने आँख से कह दिया। आँख उनका बहुत चीज अभिव्यक्त कह दिया और बाकी साकी जो था तो रही सहु सौ कही दिने ही हिचकनी से। अब कृष्ण का तो गला अवरुद्ध हुआ था लेकिन अब हिचकी ले रहे थे, अपने को संभाल नहीं पा रहे थे और बार बार हिचकी आ रहा था।
तो उद्धव शरीर के कृष्ण के शारीरिक लक्षण से बहुत समझ लिए, तो इसको कह रहे हैं विरह बेथा के कथा अकथ यथा महा कहत बनन जो प्रवीण सो कविन सो विरह बेथा के कथा कहे रत ना कर बुझावन लगे जो कान उधो को कहन है त ब्रज जुवतनी सो गहवरी आयो गरो भभरी यचान कतो प्रेम पर्यो चपल चुचाई पुतर निशो नै को कहे बननी अनेक कहे नैननी सो रही सहे सब कहे दिनी ही चकनी सो तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, कुछ कुछ अंश इसमें है। और पांच नंबर के पद में कह रहे हैं नंदा और जसोमती के प्रेम पगे पालन की लाड़ भरे लालन की लालच लगावती। कृष्ण संदेश दे रहे हैं और मुख्य अंश यह है कि जा करके माता पिता से कहिएगा, ब्रजवासियों से कहिएगा कि ब्रज हमको खींच रहा है, हम उदासीन नहीं हैं, हम बहुत लालायित हैं आने के लिए और जल्दी ही वहाँ आएंगे। और इस पद में वे कह रहे हैं कि हम ब्रज के लिए बहुत लालायित हैं। नंदा और जसोमती के प्रेम पगे पालन की लाड़ भरे लालन की लालच लगावती, क्योंकि नंद जसोदा जैसे हमारा प्रेम से पालन किए हैं, लाड़ प्यार किए हैं, तो उसका लोभ बहुत जग रहा है फिर से उसको प्राप्त करने का। कहे रत्नाकर सुधाकर प्रभासो मढ़ी मंजो मृग नयननी के गुण गान गावती, के जो ब्रज की युवतियाँ हैं चंद्रमा के समान उनके मुख पर तेज है और मृग नयनी हैं, तो उनका जो गान है तो वह बहुत आकृष्ट कर रहा है। जमुना कछारणी के रंग रसरारणी के विपिन बिहारणी के हास हुमसावती, और जमुना के किनार पर उनके साथ जो रार किया हूँ या उनका हंसी मजाक है तो हमको वो उधर खींच रहा है। सुधी ब्रजवासिनी दिवैया सुख रासिनी के उधोनी तो हमको बुलाना को आवती, जाकर के कहिएगा कि जो ब्रज की स्मृति है तो रोज ही एक तरह से हमको बुला रही है, उसका स्मरण आना अब हमको ब्रज में खींच रहा है। नंद औज सोमते के प्रेम पागे पालन की लाड़ भरे लालन को लालच लगावती। नंद औज सोमते के प्रेम पागे पालन की कहे रत ना कर सुधाकर प्रभासो मढ़ी मंजो मृग नयननी के गुण गान गावती।
जमुना क छरनी के रंग रस रारनी की विपिन बिहारनी के हंस हो मसावती। सुधे ब्रजवासिनी दिवैया सुख रासिनी की उधौनी त हम को बुलावन को आवती। और कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रज की स्मृति, एक एक चीज की स्मृति हमको रोज ही बुलाने के लिए आती है। हमको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ भले ही सुविधा है लेकिन सुविधा से हमको संतुष्टि नहीं है, हम तो ब्रज के लिए आतुर हैं। मोरा के पखौनी को मुकुट छबिलो छोरी कृतमणि मंडित धराई करी है कहा, वहाँ तो मोर का मुकुट पहनता हूँ, यहाँ तो मणि का मुकुट है, लेकिन मणि का मुकुट धारण करने से क्या लाभ है, यह उसका बराबरी नहीं कर सकता। कहे रतना कर तो माखन स्नेही बिनु सट रस व्यंजन चबाई करी है कहा, हमको तो माखन से प्रेम है, उसका रस पसंद है, यहाँ तो छह प्रकार के रस चबाना पड़ता है, उससे हमको कोई संतुष्टि नहीं है। हमें तो माखन चाहिए, छह प्रकार के भोजन चबा करके हम क्या करेंगे। गोपी ग्वाल ग्वालनी को झोंकी बिराहानल में हरि सूर वृंद की बलाई करी है कहा, अरे गोप ग्वाप गोपी हैं, ग्वाल बाल हैं, गाये हैं, तो वे तो जल रही हैं, और उसको छोड़ करके देवता लोग आकर के स्तुति करते हैं, दंडवत मारते हैं, और इससे हमको संतुष्टि नहीं है, इससे क्या होने वाला है। प्यारो नाम गोविंद गोपाल को बिहाई है ठाकुर त्रिलोक के कहाई करी है कहा, हमको तो गोविंद गोपाल कोई कहता है तो उसमें संतुष्टि है, इधर ठाकुर त्रैलोक्य नाथ ये शब्द संज्ञा पा करके हमको क्या लाभ है। ऐसे को इसमें कृष्ण व्यक्त कर रहा है, मोर के पखौनी को मुकुट छबिल, मोर के पखौनी को मुकुट छबिलो छोरी कृतमणि मंडित धराई करी है कहाँ। मोर के पखौनी मोर के पखौनी के मुकुट छबिलो छोरी कृतमणि मंडित धराई करी है कहा। के पखौनी को मोर के पखवनी को मुकुट छबिलो छोरी कृतमणि मंडित धराई करी है कहा। कहे रत ना कर त्यो माखन स्नेही बिनु सट रस व्यंजन चबाई करी है कहा। गोपी ग्वाल बालनी को झोंकी बिरहानल में
हरि सुर बृंद की बलाई करी है कहा, प्यारो नाम गोविंद गोपाल को बिहाई हाय, ठाकुर त्रिलोक के कहाई करी है कहा। तो विशेष स्मृति में है कृष्ण और गृहीत्वा पाणिना पाणि, कई एक भाव है। एक उसका भाव है कि कृष्ण अपने को संभालने के लिए उद्धव का हाथ पकड़ करके कह रहे हैं। जब ही बोलना प्रारंभ किए तो उनको संभालना अपने को कठिन हो रहा है, और कृष्ण जैसी स्मृति है और उसका जो प्रभाव आ रहा है तो सब लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो अब इसको इस पद में कह रहे हैं, प्रेम भरी कातरता कान्हा के प्रकट होता। अब उद्धव से बात कर रहे हैं और कृष्ण के प्रेम भरी कातरता प्रकट हो रही है। उद्धव अवाई रहे ज्ञान ध्यान सर के। उद्धव तो बड़े विद्वान व्यक्ति थे लेकिन कृष्ण के स्थिति को देख करके उनकी गंभीरता खत्म हो गई, उड़ गई। और कहे रत्नाकर धरा को धीर धूरी भयो। कृष्ण इतने कातर हो रहे हैं कि पृथ्वी का भी धैर्य खत्म हो गया। पृथ्वी बहुत धीर मानी जाती है लेकिन कृष्ण के स्थिति को देख करके इसका भी धैर्य खत्म। भूरी भीति भारणी फनिंद फन करके। अहेंद्र शेष नाग पृथ्वी को धारण किए हैं लेकिन अब कृष्ण के स्थिति को देख करके अब उनका भी करकने लगा वो फड़, ऐसा लगने लगा कि हिल जाएंगे, पृथ्वी को गिरा देंगे। सुर सुर राज सुध स्वारत स्वभाव ने संशय समाय धाये धाम विधि हरि के। अब यह स्थिति हो गई कि जो देवताओं देवता लोग उनके मन में संशय हो गया कहीं प्रलय का समय तो नहीं आ गया, ये सब क्या हो रहा है। वे दौड़ करके शिव जी के पास ब्रह्मा जी के पास चले गए। आई फिर ओप ठाम ठाम ब्रज गामिनी के बिरहनी बामिनी के बाम अंग फरके। लेकिन गोपियों के मुख पर कांति छा गया और उनका बाया अंग फड़कने लगा। गोपियों के लिए बड़ा शुभ संदेश लग रहा है, उनके यहाँ संदेश आने वाला है। लेकिन कृष्ण जैसे कातर हो रहे हैं तो लगता है कि पृथ्वी डोल जाएगी, अब शेष नाग उसको संभाल नहीं पाएंगे। देवता लोग घबरा गए, वो रिपोर्ट करने शिव जी के पास ब्रह्मा जी के पास चले गए। लेकिन गोपियों के लिए शुभ संकेत दिख रहा है कि कोई कृष्ण का दूत आने वाला है, उनका बाम अंग फड़कने लगा। प्रेम भरे कातरता कान के प्रकट होत, उद्धव अवाई रहे ज्ञान ध्यान सर के। कृष्ण की स्थिति देख करके उद्धव एक तरह से व्यंग ही कर रहे थे, उपहास कर रहे थे। लेकिन जब ही कृष्ण गोपियों की बात प्रारंभ किए और कृष्ण में जैसा प्रेम का लक्षण दिखने लगा, वे जैसे अस्थिर होने लगे, कातर होने लगे, तो कृष्ण को देख करके उद्धव पर प्रभाव हो गए, अवाक रह गए, अब कुछ बोल नहीं पा रहे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उनका जो ज्ञान पर ध्यान था वो सब अब
फीका होने लगा, एक नया फील्ड उनको सोचने के लिए मिल गया और पृथ्वी कातर हो रही है। प्रेम भरे कातरता कान के प्रकट होत, उद्धव अवाई रहे ज्ञान ध्यान सर के। अवाई मतलब अवाक, आश्चर्यचकित हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। प्रेम भरे कातरता कान के प्रकट होत, उद्धव अवाई रहे ज्ञान ध्यान सर के। प्रेम भरे कातरता कान के प्रकट होत, उद्धव अवाई रहे ज्ञान ध्यान सर के। कहे रत ना कर धरा को धीर धुरी भयो, भूरी भीति भरनी फनिंद फन कर के। कवि कह रहे हैं कि धरा मतलब पृथ्वी का धैर्य धूर हो गया, धूर हो गया मतलब अब खत्म हो रहा है, और भूरी भीति अब शेष नाग को इतना भय हो गया कि भय के मारे उनका सिर दुखने लगा, करकने लगा, जैसे कांट करकना कहते हैं, कहीं कांट धस गया उसमें थोड़ा परिवर्तन होता है, जैसे कष्ट होता है उसको करकना कहते हैं। अब भय के भार से, पृथ्वी का भार नहीं है, अब भय का भार से उनका माथा करकने लगा। और सुर सुर राज शुद्ध स्वार्थ स्वभाव सने संशय समाये धाय धाम विधि, और देवता लोग घबरा करके और शिव जी के धाम में, ब्रह्मा जी के धाम में जाने लगे। लेकिन ब्रजवास गोपियों को शुभ संकेत मिल रहा है, उनको प्रसन्नता हो रही है और उनके बाएं अंग फड़क रहे हैं। प्रेम भरे कातरता कान के प्रकट होत, उद्धव अवाई रहे ज्ञान ध्यान सर के। कहे रत ना कर धरा को धीर धुरी भयो, भूरी भीति भरनी फनिंद फन कर के। सुर सुर राज शुद्ध स्वार्थ स्वभाव सने संशय समय धाय धाम विधि हर के। आई फिरी ओप ठाम ठाम ब्रज गामिनी के, बिरहिनी बामिनी के बाम अंग फरके।
आए फेरा ओ पठाम ठाम ब्रज गामनी के बीरहे ने बामिनी के बाम अंग फरके ब्रज के गामनी मैंने गांवों में ओ अब प्रकाश आने लगा और जो सुंदरियां हैं विरह में जल रही हैं तो उनके बाएं अंग फड़कने लगे। आई फेरे ओ पठाम ठाम ब्रज गामनी के बिरहे ने बामनी के बाम अंग फरके सनातन गोस्वामी कह रहे क्वचित किसी स्थान पर किसी समय में जब कृष्ण को ब्रज का विशेष स्मरण हो रहा, विशेष स्मरण उत्पन्न करने वाले परिस्थिति में समय में उद्धव का हाथ पकड़ करके उद्धव से कह रहे हैं। उद्धव से क्या कह रहे हैं इसको हम लोग कल सुनेंगे। अब इतना जरूर है कि जब ही कृष्ण उद्धव से कुछ कह रहे हैं तो ब्रज के गांवों में चमक आ गया और जो गांव वाली हैं सुंदर गोपियां हैं तो उनके बाएं अंग फड़कने लगे। ये शुभ संकेत है और उद्धव जी का ब्रज में आना ये ब्रज के लिए बहुत सुखद है, शुभद है, इसका संकेत पहले ही मिल रहा है। हम लोग यहीं आज रुकते हैं, कल से आगे के श्लोकों को देखेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथ इधर ऐसे ही रख दीजिएगा, कल भी इसी को आगे बढ़ाएंगे।